शंकर भगवान की जय। है और कलयुग में भी धनी धर्मदास जी साहब ने जो सद्गुरु कबीर साहब को अपने गृह में ले जाकर जो सात्विक यज्ञ किए, आज वह सात्विक यज्ञ संपन्न हो रहा है। जो भक्त लोग गुरु को पूजा करेंगे, क्योंकि कबीर मत में सबसे महान पूजा गुरु का होता है। जो गुरु को पूजा कीजिए, सब पूजा जही माय, जैसे सींचे मूल तरु शाखा पत्र अघाय। कबीर ने यह शिक्षा को दिए और सद्गुरु कबीर जो थे विशेष गुरु को ही प्रधानता दिए कि भगवान से भी ज़्यादा महत्व गुरु को दिया गया है। जो गुरु ने ही उस गोविंद को परमात्मा को लिखाते हैं और मार्ग को बताते हैं। शिष्य जो है अंधकार में जो रहता है, उस शिष्य को सारे दुर्गुण को मिटाकर उसके अंदर प्रकाश देने को काम करते हैं, सद्ज्ञान देने को काम करते हैं। इसीलिए आज बहुत बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ अकथ प्रयास से इन्होंने संत सम्मेलन को आयोजन रखे हैं। एक सत्संग ही मनुष्य का अध्यात्म का केंद्र है, जिससे मानव को शांति मिलता है। आज धन से, पुत्र से, परिवार से, रुपया से आज तक किसी को नहीं शांति मिला है और नहीं शांति मिल पाएगा। एक शांति का मार्ग है सत्संग। जो करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाय, ऐसी अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए, कि फिर मनुष्य का ये शरीर नहीं मिल पाएगा। मनुष्य का ही एक ऐसा शरीर है, राम कृष्ण बुद्ध नानक जेमनी पराशर वेद व्यास जितने भी ऋषि महर्षि आए हैं, सभी मानव को नकाब पहिर कर आए हैं। एक मनुष्य का ही शरीर है जो मोक्ष प्राप्ति करने का मार्ग, और मनुष्य को ही शरीर पाकर आप महापुरुष बन सकते हैं। इसलिए सत्संग की जरूरत है, बिना सत्संग से मनुष्य का अध्यात्म का बोध हो ही नहीं सकता है। आज तो घर घर में पढ़ा लिखा है, इंटर का, आईए का, बीए और इंजीनियर घर घर में पढ़ा लिखा है, फिर भी अध्यात्म के बिना लोग माता पिता को इज्जत नहीं कर रहा है, माता पिता को पूजा नहीं कर रहा है, भले केला को पूजा कर रहा है, मंदिर में जाकर धूप अगरबत्ती दिखा रहा है। जो भी पूर्ववक्ता ने कह रहा था कि वास्तविक मंदिर का श्रेष्ठ जो पूजने होते हैं भगवान होते हैं, मूर्ति होते हैं, और हमारा घर का मंदिर कौन है? तो घर का जो मंदिर है, उस मंदिर में देवता माता पिता होते हैं। जैसे शरीर है, तो शरीर का देवता कौन है? शरीर को अंदर देवता ये जीवात्मा है। आँख हो, कान हो, नाक हो, सारे शरीर हो, यदि जीव में शरीर में आत्मा नहीं हो, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। मगर आज हम लोग बाहरी चीज़ को जानते हैं, बाहरी चीज़ को पीछे पड़े हुए हैं, और आपके अंदर जो यह जीव है, इसमें हम लोग इस जीव को पहचान नहीं पाते हैं।
के शरीर के अंदर जो देवता है, जो सदगुरु कबीर ने कहा कि सब घट मेरी साया सुनी से जिन को, अब बलिहारी वह घट की जो घट प्रगट हो। हमारे घट वह परमात्मा है, मगर ये शरीर में हम लोग बीड़ी सिगरेट गाना हफिंग पान पड़ा गुटका और अंडा को डालते हैं। आज लोग राम राम हरे हरे अंडा मुर्गी घरे घरे, क्योंकि शरीर के अंदर जब परमात्मा है तो इस आत्मा को लोग पहचान नहीं रहा है। कबीर का यही वास्तविक उद्देश्य रहा और पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में जो कबीर का सिद्धांत है सारे सिद्धांतों से अपर और सरल सिद्धांत है, क्योंकि कबीर ने उस घर में सदियों से दिया जलाने को काम किए जो घर सदियों से अंधेरा हो। क्योंकि ये दलित समाज को मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं था, मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं था, मेंच पर बैठकर उपदेश नहीं कर सकता था, रामायण गीता को पाठ नहीं कर सकता था, मगर आज हमारे सदगुरु कबीर का देन है। जो कबीर ने उस समय संघर्ष किए मुगल सम्राट के समकालीन युग में, संघर्ष करने के बाद कबीर के सिद्धांतों को और भगवान बुद्ध के विचारधाराओं को भीमराव अंबेडकर ने अनुकरण किए, और भीमराव अंबेडकर की माँ कबीरपंथी थी, आज रामविलास पासवान जी हैं, उनका माता पिताजी जामुनदास जी और उनका माता पिता हमारे फुहिया स्थान से बिलोंग किए, फुहिया स्थान के शिष्या थे। आज जो कबीर के विचारधाराओं को देश दुनिया में घर घर में चर्चा हो रहा है, और वास्तविक कबीर को विचार को यदि मानव अपना ले तो स्वर्ग की जो आज पंडित लोग स्वर्ग की चर्चा करता है वह तो मनुष्य अंधविश्वास में दे रहा है। आज तक कोई स्वर्ग को नहीं देखा है, नहीं कोई स्वर्ग ऊपर है और नहीं स्वर्ग नीचे है। स्वर्ग कहाँ है? आपका जो मन की पवित्रता है वह स्वर्ग है, मन की जो मलिनता वह नर्क है। आप अपने कर्म से विचार से आपका घर स्वर्ग हो सकता है, इसलिए स्वर्ग पाने के लिए संतों की जरूरत है, गुरु को शरणागत की जरूरत है। इसीलिए समाज में आज कला है, घर घर में प्रेम नहीं है, घर में बाप बेटा में कला है। आज मंदिर में तो पूजा करे घर में कलेश, आज मंदिर में लोग पूजा कर रहा है और घर में होता है कले माने कष्ट होता है। तो इसलिए कहते हैं ये शरीर रूपी मंदिर है, ये मंदिर के अंदर जो जीवात्मा है इसको आप अनुभव करें, पहचाने कि हमारे अंदर ही परमात्मा है। परमात्मा कहीं पूर्व और पश्चिम दक्षिण दिशा में नहीं है, परमात्मा सबके घट घट में व्यापक हैं। वेदों का भी कथन है कि रामे तीसो राम, गीता में भी वही चर्चा है, अहम गूढ़ा केशम स्थितम, सबके अंदर वही स्थित रहने वाला। कुरान में भी वही चर्चा है कि ला है इल्ला मोहम्मद रसूलल्लाह, अंग्रेजी के विद्वान भी वही शब्द को कहा गॉड ऑमनी प्रेजेंट एंड ऑमनी प्रोटेंट, सब में वही ईश्वर का निवास है। इसलिए सत्संग की जरूरत है। आज यहाँ के लोग जो है से प्रथम बार इस इलाके में ऐसे सम्मेलन को आयोजन को भिक्षाटन करके इन्होंने तीन दिवसीय जो इन्होंने रखे कि ताकि हमारे समाज में कल्याण हो, हमारे समाज के अंदर जो अंधविश्वास है, समाज के अंदर जो खान पान नशाओं का लोग शिकार कर रहा है, जो करता नशा को शिकार और उसरता है उसका उजरता है घर और परिवार, जो सरकार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी प्रशासन भी दारू को रोक लगा रहा है, फिर प्रशासन के द्वारा मानव को सुधार नहीं हो रहा है। और सुधारवादी के लिए एक हमारे साधु संत हैं जो भजन के माध्यम से प्रवचन के माध्यम से गांव-गांव में जाकर लोगों को नशाओं से मुक्त करवाते हैं। लोग जो माला ले लेता है, जो वैष्णवी धर्म पालन करता है, तो एक दिन के कौन कह रहा है सदा जीवन भर के लिए वो नशा से मुक्त हो जाता है, अपने जीवन को बदल लेता है। जैसे उंगली माल रत्नाकर डाकू सजन कसाई, आज देश को सुधारने के लिए सरकार जेल की व्यवस्था किया, जेल में भी लोग रहता है और जेल से निकलने के बाद फिर वह चोर और डकैत ही बनता है, वह सुधर नहीं पाता है। असाधु में वह गुण है, सत्संग में वह प्रभाव है जो आने के बाद 5 मिनट में संतों को वाणी से सुधर जाता है। उंगली माल ने एक ही शब्द पर सुधर गया, रत्नाकर डाकू एक ही शब्द पर सुधर गया, उनको जेल जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा,
20 वर्ष जेल जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए सत्संग की जरूरत है। इसलिए कबीरदेव ने कहा कि करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। गोस्वामी तुलसी बाबा भी दर्शाए कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सर एक सवाल ये, कहीं गुरु क्या होते हैं उनके बारे में विस्तार से? गुरु को बारे में जो आप प्रश्न किए, गुरु को बारे में जो चर्चा है कि सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा अनको, संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। आज भगवान राम को कहते हैं बड़े हैं, भगवान कृष्ण को कहते हैं बड़े हैं, और राम को गुरु कौन थे? तो गुरु वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे। कृष्ण को गुरु कौन थे? तो कृष्ण को गुरु दुर्वासा और संदीपनी थे, और ब्रह्मा के गुरु अग्नि थे, विष्णु के गुरु जो है से आराधी थे, भगवान शंकर जो कुंभद ऋषि थे, सुखदेव को गुरु जो है से राजा जनक विदेही थे। बिना गुरु से आज तक संसार में किसी को ज्ञान नहीं मिला है, सबको गुरु को शरण में जाना पड़ता। शुक्रिया आपका। और गिनी आए हैं तो इन्हीं सामने आई है, साहब को चरण पर जल दे करके मालिक और पति पत्नी दोनों मिल के वस्त्र को दान करेंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। और तब तक घूमने रहिए जब तक वो नहीं बांटेंगे, तब तक आप सुनते रहिए। क्या कहना है, एगो चुनरी हम लोग को मिला है, वो अभी मिलेगा असली और नकली का पकड़ कर लीजिए। भजन में लिखा है कि बेटी उन सब खोलब करो और हमारे बैठल रही है, आप दीजिए हम लोग चुप हो जाए। चले हाँ देखिए हमारे उन सब खोलब करो और हमारे बैठल रही है, आप दीजिए हम लोग चुप हो जाए। चले हाँ साहब हमारे क्षेत्र के लोग संत मिलन को जाइए,
आगे बढ़े। आज हम लोग धन्य हैं आप।